अल्बू अल्बोर्नी जो कि गोरी के साथ आता था, इसने तहकीकात ए हिंद लिखा, जिसमें वो स्लेव डायनेस्टी के बारे में चर्चा करता है और सामाजिक कल्चर के बारे में ये किताबुल हिंद में चर्चा करता है। उसके बाद मिन्हाजुल सिराज ने तबाकत ए नासरी लिखा है, जो कि इल्तुतमिश के बारे में बताता है और बिहार के बारे में बताता है। अमीर खुसरो ने बहुत सारा लिखा है, लैला मजनू लिखा है जो कि अमीर खुसरो जो कि ये अलाउद्दीन खलजी का कोर्ट पोएट था, ये बहुत सारे लोगों के साथ रहा एक्चुअली। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इसने दो लिखा, लैला मजनू और खजाइन उल फतू, ट्रेजरी ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री। फिर गियाजुद्दीन के टाइम में लिखा, गियाजुद्दीन के बारे में लिखा तुगलकनामा, गियाजुद्दीन तुगलक का तुगलकनामा है, अमीर खुसरो ने लिखा। अलाउद्दीन खिलजी का कविताओं के रूप में वर्णन किया है नूह सिफिर में, इसने नूह सिफिर में। जियाउद्दीन बरदी ने फतवा ए जहांगीरी लिखा है और तारीख ए फिरोज शाह, फतवा, ये तो फतवा किस चीज़ का हो रहा है, तुगलक डायनेस्टी का कर रहा है ये फतवा, फतवा निकाल रहा है। और तारीख ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाही के बारे में लिख रहा है कि उसके बाद क्या क्या चीज़ें थी। फिरोज शाह ने खुद फतवा आई फिरोज शाही लिखा है, फतवा ही जहांगीरी लिखा है, जियाउद्दीन बरदी ने फतवा आई फिरोज शाही, खुद का फतवा कौन निकाल ले रहा है, फिरोज शाही।